सुबह के 6 बज गए हैं, हल्की बारिश अभी भी है। 4 बजे उठ के भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी हम लोग पंचाचूली बेस तक जा रहे हैं। ऊपर बिल्कुल क्लाउडी है, हल्का सा बेस दिखाई दे रहा है पंचाचूली का। तो निकल गए हैं हम लोग 6 बजे, देख लेते हैं, चले जाते हैं थोड़ा ऊपर तक। पूरा क्लियर नहीं दिखेगा लेकिन हल्का सा दिखेगा ही, क्योंकि आज दिन भर क्लाउडी है और कल भी बारिश ही है, तो रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो धीरे धीरे निकल जाते हैं। बारिश अभी भी हो ही रही है पर बहुत हल्की है, और ट्रेल इतना खूबसूरत है, इतने वाइल्ड फ्लावर्स खुले हुए हैं रास्ते में, जगह जगह तरह तरह के। अभी तो शायद 1 ही किलोमीटर चले होंगे हम लोग, खेत छोड़ के अब हम लोग जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं। फिर ये जंगल से होने के बाद थोड़ा टॉप में पहुंचेंगे, ग्रेजुअल सी चढ़ाई है, हल्की सी पगडंडी दिखाई दे रही है। हमसे आगे 5-6 लोग जा रहे हैं, काफी आगे निकल गए वो लोग। और यहाँ जंगल में शायद भालू भी होते होंगे। भालू मिलेगा फिर क्या होने वाला है। पूरे रास्ते में तरह तरह के फूल खिले हैं, ये भी एक सुंदर सा फूल है। ये कौन से पेड़ का है? ये भोज का है ये। धन्यवाद। ये एक लट्ठी दे दी इन्होंने हमें यहाँ पे, ये सही है। अब हम यहाँ पे बीचों बीच जंगल के फंस गए, हमको पता नहीं अब कहाँ जाना है और समझ में नहीं आ रहा है कि किधर को निकले। रूट का पता नहीं चल रहा है लेकिन यहाँ पे ऐसे लग रहा है कोई चला है, और ये पानी आ गया। हल्की बारिश भी चल रही है, पगडंडी कहीं नहीं दिखाई दे रही। खाए कुछ? पानी पियो। पानी पीते हैं, कुछ खाते हैं, फिर एडवेंचर हो रहा है। यहाँ पे ये भोजपत्र के पेड़ हैं, बर्च बोलते हैं शायद इंग्लिश में, ये उसका बाग है। पुराने ज़माने में इसी में लिखा करते थे लोग, इसको पेपर की तरह यूज़ करते थे। ये सब जो निकल रहा है ये। तो पैंट भी गीला हो गया, जींस, और हम लोग कम चलने के चक्कर में और ज़्यादा चल गए। अब वहाँ ऊपर कुछ मकान दिख रहे हैं, वहाँ तक चढ़ जाते हैं, फिर देखते हैं। फाइनली भटक के ये कैम्बियन का रूम्स हुआ करता था पहले, बारिश थोड़ी तेज़ हो गई है अभी, और हम लोगों को ये पगडंडी भी मिल गई है। जंगल से भटक के पगडंडी में आ गए हम लोग।
मेहनत ज़्यादा हो गई आज। ये KMVN का अब बंद हो चुका है, कुछ साल पहले यहाँ जंगल में आग लगी थी, उसके बाद इसे बंद कर दिया। ये बुरांश खिले हैं, मामी को गर्मी लग रही है। बम्बलबी सुंदर ट्रेल है। वाव, एकदम मस्त। जून में बुरांश खिले मिलेंगे ऐसा कोई आइडिया नहीं था मुझे। फूल ही फूल है, इससे अच्छा ट्रेल तो आज तक कभी नहीं देखा मैंने। फूलों की घाटी भी फेल है इसके आगे, दूर दूर तक फूल खिले हुए सफेद और हल्का पर्पल। जून, मिड जून के बाद भी यहाँ बुरांश के इतने फूल खिले हैं। और जैसे जैसे आप पंचाचूली बेस की तरफ पहुँचते इतने फूल खिले हैं यहाँ पे, हर तरह के फूल। और ये देखिए पूरा बुरांश के फूलों से लदे हुए हैं पेड़। जो हमारे साथ गए थे वो तो वापस आ गए। हम भी भटक गए, हम लोग भटक के फिर कहीं और ही पहुंच गए, फिर बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला। कितना दूर है यहाँ से? अच्छा ये शुरू हो गया, ये शुरू हो गया, अब जाओ। हाँ खुशी हो रही है ग्लेशियर देख के, हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं ग्लेशियर के ऊपर। पंचाचूली का टॉप नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन नीचे का बेस दिखाई दे रहा है, तो आना हमारा सही रहा। ये देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे ग्लेशियर बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे झरने बह रहे हैं वहां से, ग्लेशियर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। दो हरियाणा से आए हैं बंदे, एक छोटा सा गाइड लेके लोकल। ठीक है उतरो नीचे, चलने लायक है। आगे जाओगे आप? वहां से देख के आते हैं, व्यू अच्छा दिखेगा। वो जो घास का एंड है ना
जहाँ से ये दो जने आ रहे हैं। आई थिंक व्यू बेटर दिखेगा वहाँ से। क्या नाम है छोटे गाइड का? लक्ष्य। कौन सी क्लास में पढ़ता है? फोर्थ में। कहाँ? धारचूला। तेजम। ये ग्लेशियर के बीच के टूटे हुए हिस्से। वहीं से आओ जहां से हम आए। गड्ढा है भैया, मत आओ। हे भगवान। नीचे पूरा गहरा खाई जैसा है। नीचे देखो ना उसके, हार्ट तो है पर टूटने का डर रहता है। मामी, मौसी, और ये ग्लेशियर चलता जा रहा है। 0 पॉइंट तक जाएंगे। ऊपर तो कोहरा है तो पंचाचूली के टॉप तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन बेस दिखाई दे रहा है। 0 पॉइंट से और क्लियर होगा व्यू। भेड़ और बकरियां चर रही हैं यहाँ पे, ठीक ग्लेशियर के बगल में बुग्यालों में। सितंबर एंड तक ये लोग यहीं रहते हैं, इसके बाद वापस नीचे चले जाते हैं। हमने डरा दिया बकरियों को। पहाड़ी टूटी हुई है यहां से पूरी। उधर मत जाना दादा, नीचे ही रहना, मिट्टी खिसक रही है उधर। और ये ग्लेशियर से पानी बह रहा है नीचे, बहुत सारे झरने दिख रहे हैं यहाँ। और ये 0 पॉइंट है। ऊपर पूरा कोहरा है पीक्स पे, नीचे ग्लेशियर पूरा दिख रहा है। फाइनली हम लोग पंचाचूली के बेस तक पहुंच चुके हैं। ग्लेशियर नजर आ रहे हैं यहाँ से पूरे अच्छे तरीके से। मौसम क्लियर होता तो और भी अच्छा लगता। बारिश हो ही रही है हल्की हल्की। अब थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से। हमारा ट्रैक पूरा हो चुका है। ये पीछे मेरे पंचाचूली का बेस, पूरा ग्लेशियर है ये। और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, तो ये कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अगले सफ़र पे। टिल देन, बाय बाय।